नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय। आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी। दोस्तों, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मिल्कीपुर विधानसभा में। मिल्कीपुर विधानसभा की बात की जाए तो चर्चा काफी तेज है चुनाव को लेकर। पूरे भारत में ही मिल्कीपुर की चर्चा है, पूरे भारत के लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं और लगातार कवरेज आपको हम मिल्कीपुर से दिखा रहे हैं। मिल्कीपुर की बात करें तो बीजेपी के लिए काफी अहम चुनाव हो जाता है और समाजवादी के लिए भी हो जाता है। क्यों हो जाता है मैं बता देता हूं आपको। यहां पर बीजेपी की अयोध्या में हार के बाद ये मिल्कीपुर की सीट है, क्योंकि अयोध्या की ही विधानसभा सीट है और यहां से जो अयोध्या से जो विधानसभा की जो ये सीट है मिल्कीपुर की, हम बता देते हैं कि अवधेश प्रसाद यहां से विधायक थे। उसके बाद लोकसभा का चुनाव आता है, लोकसभा के चुनाव में अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी से यहां से जीतते हैं और उनकी ये सीट खाली हो जाती है। और इनकी सीट खाली हो जाने के बाद में अवधेश प्रसाद के लड़के यहां से चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, बहुजन समाजवादी पार्टी से रामगोपाल कोरी। और बीजेपी से चर्चा है, कई प्रत्याशियों की लाइन में है, कई प्रत्याशी लाइन में है। बात की जाए बाबा गोरखनाथ हो, चंद्रभानु पासवान हो और भी बहुत सारे नाम है बीजेपी की लिस्ट में। बीजेपी समय ले रही है, प्रत्याशी अभी डिक्लेयर नहीं किए हैं और जल्द ही बीजेपी भी प्रत्याशी डिक्लेयर करने वाली है। ऐसे में हमारी चुनाव यात्रा की टीम अयोध्या न्यूज स्टोरी की टीम मिल्कीपुर की एक बाजार में जा रही थी, हमें दिखाई दिया कि कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है। हमने सोचा चलते हैं, यहाँ की जनता का मूड जाना जाता है, यहाँ की जनता किसके साथ में है, आप लोग किसके साथ में है कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। और बात की जाए कमेंट बॉक्स में, हम लगातार कमेंट करने के लिए आपको कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी वीडियो लाखों लोग देखते हैं, लाखों लोगों में हजारों लोग कमेंट करते हैं। बहुत सारे लोगों से हम बात करते हैं, कैमरे के सामने बोलते नहीं है, लेकिन कमेंट हम देखते हैं जिनसे बात की जाती है। जो लोग नहीं बोलते उनके भी कमेंट बहुत सारे आते हैं और आपको कमेंट बॉक्स में ही आइडिया लगेगा ज्यादा कमेंट किसके लिए आ रहा है। तो यहाँ पर जनता से हम पहले बात कर लेते हैं। जनता क्या मूड है, क्या लग रहा है, मिल्कीपुर से कौन बाजी मार रहा है? बीजेपी। बीजेपी बाजी मार रही है। बीजेपी मारेगी हमेशा। हमेशा तो नहीं मारी, नहीं नहीं मारती तो नहीं थी, लेकिन यहाँ किनोपुर जो ग्राम सभा है यहाँ पे बीजेपी ही वोट जीती। नहीं, हम तो मिल्कीपुर विधानसभा की बात कर रहे हैं। नहीं तो मिल्कीपुर विधानसभा में तो इस बार बीजेपी ही जीतेगी। क्यों जीतेगी? क्योंकि अब की बार जो जनता का मूड भी, जो विधायक थे अवधेश प्रसाद जी ने कोई काम यहाँ किनोपुर के लिए किया ही नहीं, ढाई साल में नहीं किया, नहीं कोई कोई भी काम, कभी दिखाई भी नहीं पड़े आज तक। लेकिन अब वो जब लोकसभा का चुनाव था तो पूरे जिले का था, लेकिन ये प्रदेश जो मिल्कीपुर विधानसभा का चुनाव है इसमें बीजेपी ही जीतेगी। क्या नाम है आपका? दिवाकर सिंह। दिवाकर सिंह, तो ऐसे में जब ठाकुर से हमारी बात हो रही, एक चर्चा भी चल रही थी गोरखनाथ की, भी हम चर्चा कर लेते हैं कि कुछ लोग कह रहे थे गोरखनाथ से ठाकुर नाराज है। नहीं, नाराज तो है, लेकिन गोरखनाथ को वोट नहीं देते, ये सब सिर्फ जो है बीजेपी के नाम पे वोट दे रहे हैं बाबा जी को। ठाकुर किसे जिता रहा है? क्योंकि हम बता रहे हैं पूरे समीकरण को अगर बांट दिया जाए, पासी देख लीजिए एक तरफ हो जा रहा है, एक तरफ अगर बात करते हैं तो कोरी समाज हो जा रहा है, ब्राह्मण समाज का भी यहाँ 60-70 हजार वोट बता रहे हैं सब। इसके बाद में आप देखेंगे यादव का भी 27-28 हजार वोट है। और बात करें ऐसे ही सब समाज के बटने के बाद में फिर लास्ट में बचता है ठाकुर समाज। ठाकुर समाज और ठाकुर समाज के पास भी यहाँ लगभग 28 हजार वोट है। ऐसे में ये हो रहा है कि अदर बैकवर्ड की अगर बात कर ली जाए, अदर बैकवर्ड के बाद अगर मान लीजिए 28 हजार वोट है ठाकुर का, अगर एक तरफा वो किसी की तरफ जा रहा है तो कोई भी जीत सकता है। तो ठाकुर किस तरफ जा रहा है? बीजेपी की तरफ। बीजेपी की तरफ जा रहा है, तो जानते रहिए, लगातार कवरेज दिखा रहे हैं। और समीकरण पे भी बात करेंगे, पासी वोट बैंक भी 45 हजार वोट लगभग है, ये मिल्कीपुर का समीकरण है। और मिल्कीपुर की जनता एक बार अवधेश प्रसाद को जिताई थी 5 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले की बात करता हूँ, अवधेश प्रसाद जो यहाँ से मंत्री रहे, विधायक बनाया, फिर उसी जनता ने उन्हें कुर्सी से हटाया और बाबा गोरखनाथ को बैठाया, फिर वही मिल्कीपुर की जनता ने बाबा गोरखनाथ को हटाया, अवधेश प्रसाद को जिताया, अब फिर चुनाव है। हर बार यहाँ जनता बदलती भी रहती है। क्या कहेंगे आप? बीजेपी। बीजेपी जी। क्यों बीजेपी बाजी मार? विकास। क्या मुख्य कारण रहेंगे? सुरक्षा। हाँ, मिल्कीपुर क्यों वोट करेगा बीजेपी को? सुरक्षा, बहन बेटियों की सुरक्षा, और क्या, विकास और सुरक्षा इसी पर देगा हर व्यक्ति। बुलडोजर चलता रहता है आपके? जी 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 बिल्कुल, अयोध्या में बहुत बुलडोजर चलता है। कोई गड़बड़ी है तुरंत चलाओ। तुरंत चलाते हैं, तुरंत चलता है। जबरदस्ती अगर आदमी सरकारी जमीन कब्जा करेगा या गरीब आदमी को कब्जा करके निकालेगा तो बाबा का बुलडोजर तो स्वाभाविक है चलना, और चाहिए भी। गरीब आदमी पर अत्याचार होगा तो बाबा का बुलडोजर चलेगा? गरीब आदमी पर अत्याचार अगर होगा तो बाबा का बुलडोजर चलेगा,
बाबा का बुलडोजर कहीं ऐसा नहीं है कि किसी नाजायज आदमी के ऊपर बुलडोजर उनका चल रहा हो, नहीं, आप पूरे प्रदेश में देख लीजिए, जहां पर कहीं छीटा कसीब होगी, लड़कियों के बारे में कुछ होगा या कोई अन्य मुद्दा होगा, तो उस पर वो बुलडोजर तो उनका स्वाभाविक है चलना, और चलना और चाहिए भी। अनुशासन बीजेपी के अलावा आज तक किसी में अनुशासन की इतनी क्षमता नहीं थी। नहीं, लोग कहते हैं मायावती के समय में भी काफी अनुशासन था, था मायावती का भी शासन में वो था, लेकिन अब जिस तरीके से बाबा ने अतीक अहमद के ऊपर, मुख्तार अंसारी के ऊपर किसी के औकात नहीं थे, हाथ रख देता, उसी जमाने में वो क्या कहते हैं मुख्तार पीरियड में वहाँ तालाब खोदा गया। अच्छा, मिल्कीपुर की बात करते हैं, मिल्कीपुर, मिल्कीपुर में आज काम बहुत हुआ है, काम के मामले में मिल्कीपुर में ऐसा नहीं है कि कहीं काम नहीं हुआ है, काम बहुत हुआ है। दोनों ही पार्टी से मान के चल रहे हैं, जैसे कि संभावित जो प्रत्याशी हैं, दोनों ही पार्टी से पासी समाज के प्रत्याशी होंगे, पासवान समाज के प्रत्याशी होंगे, हाँ वो तो वही होंगे। ऐसे में क्या देख रहे हैं आप, कौन मार रहा है? नहीं तो अब की बार तो बीजेपी यहाँ से जीतेगी, अब की बार, अब बीजेपी जो है हमेशा यहाँ पर सबल पड़ती थी। चलिए और लोगों से भी बात करते हैं, दोबारा आपसे हम बात करेंगे और इसी बारे में चर्चा करेंगे। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है, आप उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं, आपसे हम पहले पूछ लेते हैं और कैमरामैन से कहेंगे सामने से दिखाया जाए, और क्या लग रहा है कौन बाजी मार रहा है? भाजपा मार रही है बाजी, भाजपा मार रही है। क्या नाम है आपका पहले? अनिल सिंह। अनिल सिंह जी, हम देख रहे हैं ज्यादातर इस वीडियो में ठाकुर समाज के लोग हमारे साथ में हैं, और ठाकुर समाज का वोट किस तरफ जा रहा है? अवधेश प्रसाद के क्षेत्र में है, अवधेश प्रसाद के क्षेत्र के एक गांव में हम लोग मौजूद हैं, और ऐसे में अवधेश प्रसाद के क्षेत्र के जो गांव के लोग हैं वो किसके साथ हैं? भाजपा के साथ हैं। कुछ लोग हिंदू में जो बिकाऊ हैं, नमक खाते हैं हिंदुस्तान का और गुण गाते हैं पाकिस्तान का। बाबा के जमाने में अच्छा काम हुआ, बाबा ने मंदिर बनवाया, अयोध्या में विकास करवाया, बुलडोजर चलवाया, वो जात देखकर बुलडोजर नहीं चलवाते हैं कि मुसलमान का है कि हिंदू का है, जो गलत करेगा उसके साथ ऐसा ही होगा। अच्छा ये बताइए, अवधेश प्रसाद जी कह रहे हैं कि मिल्कीपुर का ठाकुर समाज हमारे साथ है, और दिखा भी थे ऐसे देखो, दो चार लोग बैठे भी, तो क्या अवधेश जी ठाकुरों के साथ है? हमें तो नहीं लगता है, अब कहने को बोल देते हैं वहाँ ठाकुर लोग हमारे साथ है, वो कभी झांकने आते हैं किसी ठाकुर के द्वारे, मर रहा है, जी रहा है, क्या हो रहा है? 28,000 वोट लगभग हैं ठाकुरों के मिल्कीपुर में, और ये ठाकुर जिस तरफ जाएगा चुनाव वही जीतेगा। अरे ठाकुर तो, की तरफ से तो बहुत, ठाकुर हमेशा भाजपा को दिया है, इसमें मानते हैं कि हिंदू लोग कुछ हैं दोगले टाइप के, वो गुण हमेशा सबा की गाते हैं और गाते रहेंगे, उनका काम है गाना, लेकिन हम लोग हमेशा जो है राष्ट्र हित में काम जो करता है उसी के साथ रहते हैं, चाहे वो क्षेत्र स्तर का हो चाहे स्टेट स्तर का हो, जो विकास करे। अयोध्या के राजा अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद को बनाते हैं, मिल्कीपुर किसे राजा बना रहा है? भैया मिल्कीपुर अब राजा तो बनेगा, कमल का फूल ही राजा बनेगा। हाँ कमल का फूल ही बनेगा बस, और क्यों बनेगा? अब उसका भाई क्वालिटी है ना सर, उसका क्वालिटी है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रामजी गुप्ता है, मैं डोड़ी बाजार का रहने वाला हूँ। गुप्ता जी कमल खिला रहे हैं जी, हम तो वहीं में रहे हैं। वैसे आपको मैं बता देना चाहूंगा, जनता सेवक चुनती है ना कि राजा चुनती है, और ये देखा जा रहा है कि मिल्कीपुर का अगला सेवक कौन बनेगा, तो कौन बनेगा आप बताइए, हम बात करेंगे उनसे भी बात करेंगे। बीजेपी, बीजेपी क्यों बनेगी? आप लोग बीजेपी कह रहे हैं विकास, अच्छे अच्छे मुद्दे, अच्छा अच्छा काम उनका, हाँ इसीलिए बनेंगे। और बीजेपी ने अभी प्रत्याशी भी नहीं तय किया है, वो चाहे बहुत लोगों को चलिए, चंद्रभानु पासवान, बाबा गोरखनाथ और विनय कुमार भी आएगा, हम लोग तो बाबा को वोट देते हैं ना, हम योगी बाबा को, योगी बाबा को जी। चलिए और लोगों से भी हम बात कर लेते हैं, ठाकुर समाज जो है वो किसके साथ जा रहा है, और यही जानने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सभी वोटों का जो समीकरण हमारी वीडियो में, अगली वीडियो में हमने समझाया था आपको कि लगभग लगभग 28,000 वोट होते हैं, और जो समीकरण जातिगत बांटा जा रहा था उसमें करीब 14,000 वोटों का बैठ रहा था, तो 14 में 28,000 जब ठाकुर किसी तरफ जाएगा इकट्ठा तो पाला पलटेगा, तो क्या होने वाला है? बहुत
जल्द से जल्द बहुत बड़ी से बड़ी बीजेपी की पार्टी के अंदर में जीत आएगी मिल्कीपुर विधानसभा से उपचुनाव के अंदर में, इसमें कोई दो राय नहीं है और हमेशा ऐसे होता चला आया है। अब की बार जनता ये की जो चूक हुई है वो जनता अपनी चूक की भरपाई करेगी इस उपचुनाव के अंदर में। भले ही पार्टी की तरफ से अभी कोई प्रत्याशी नहीं आया, लेट सवेर चाहे जब भी आएगा जीतेगा यहाँ से सिर्फ बीजेपी पार्टी का ही कैंडिडेट। और देश के अंदर में हमेशा जो विकास हो देखा जाता है वो विकास विगत 15 सालों के अंदर से खूब हुआ है तो सिर्फ बीजेपी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के नाते से हुआ है। देश मिल्कीपुर किसको राजा बनाएगी? मिल्कीपुर राजा हमेशा यहाँ बीजेपी के कैंडिडेट को बनाएगी और किसको बनाएगी? बीजेपी के कैंडिडेट को बनाएगी। ऐसे में हमारे साथ में एक लोग और मौजूद है, कैमरामैन से कहेंगे सामने से आइए और हम बात करेंगे। चाचा जी ये बताइए, काफी चुनाव में आप वोट भी किए होंगे, मिल्कीपुर का जो समीकरण है रोज चेंज हो रहा है, दोनों ही पार्टियों की लड़ाई बताई जा रही है लेकिन आसान खेला किसी के लिए नहीं है, आप किसके साथ में? हम तो हिंदू के साथ हैं, हम लोग ठाकुर नहीं हिंदू हिंदू हैं और हिंदुओं की पार्टी भाजपा है, उसी को वोट करेंगे, भाजपा को वोट करेंगे, भाजपा को। ऐसे में भाजपा की बात की जाए, लोकसभा जब चुनाव था करीब 7,000 वोट से पीछे थी भाजपा और समाजवादी पार्टी आगे थी, प्रत्याशी का भी विरोध था, प्रत्याशी कभी गांव में तो आए नहीं, इधर 10 वर्षों में कभी देखा नहीं, अभी दोबारा बात करेंगे आपसे भी, 10 वर्षों में यहाँ कभी दिखाई नहीं पड़े, अगर वो खाली घूम देते एक बार हर गांव में तो जीत गए होते चुनाव। हाँ, कहीं ना कहीं प्रत्याशी का भी विरोध था। ऐसे में मिल्कीपुर की जनता किसके साथ दिख रही है, आपको क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहिएगा। साथ ही कैमरामैन से हम कहेंगे चलेंगे, यहाँ पर कुछ लोग मोबाइल से बात कर रहे हैं और उनसे भी जानकारी लिखते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों से हम बात करेंगे। क्या भैया मोबाइल लगे हुए हैं आप? हाँ बात कर रहे थे। ये बताइए मिल्कीपुर जी जी किसके साथ है? मिल्कीपुर भाजपा के साथ है जी, भाजपा के साथ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील है। सुनील है जी। आप कौन बिरादर हैं? यस्सी माते हैं सर। बुरा नहीं मानिएगा जी जी जी, लोग कह रहे थे जातिगत समीकरण भी बताइएगा जी जी जी, तो हम कह थोड़ा समझ लेते हैं, तो यस्सी में आप आते हैं, कौन बिरादर होते हैं? पासी। पासी हैं जी। चलिए पासी जब आ गए हैं तो बात कर ली जाती है, दोनों ही पार्टी से पासवान लड़ रहे हैं यानी पासी लड़ रहे हैं, तो पासी समाज किसके साथ है वो भी जान लिया जाता है। युवा साथी हमारे साथ में मौजूद है और जो युवा है वो क्या सोच रहा है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है पासी समाज का वो क्या सोच रहा है, क्या लग रहा है किसके साथ में आप? चंद्रमान पासवान जी हैं, इनकी छब अच्छी है, सबसे अच्छी है, ठीक ठाक है। अभी उनके पिताजी आए हुए हैं हमारे ग्राम सभा में, एक अच्छा। लोग की मृत हो गई थी तो उसमें भी आए हुए हैं और उनका लगभग जन संपर्क बना रहता है, वो व्यक्तिगत लगभग सबसे मिला करते हैं और बातचीत करते हैं और मदद भी करते हैं, सब जगह पहुँचते भी है। चंद्रमानु पासवान जी जी जी, मजबूत प्रत्याशी, मजबूत प्रत्याशी। ऐसे में बाबा गोरखनाथ भी प्रत्याशी रहे हैं, वो भी पासवान ही है जी जी जी। तो आप चंद्रमानु पासवान का नाम ले रहे हैं जी सर, बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं। बीजेपी समय ले रही है टिकट लाने में, क्या लग रहा है? समय ले रही है, वो निर्णय अपना ये ले रहा है कि कौन सा कैंडिडेट कौन सा लीडर सबसे अच्छा ठीक ठाक है, तो इसी में चंद्रमान पासवान जी हैं और लगभग उम्मीद भी नहीं की है और अच्छे लीडर हैं, इन्हीं को विधायक बनाया जाए। चलिए यहाँ पर हम लोग कवरेज कर रहे थे, लगातार कवरेज कर रहे थे तो हमें दिखाई दिया यहाँ पर एक पत्रकार भी मौजूद है, वो लगातार यहाँ पर कवरेज कर रहे हैं तो उनसे भी जानकारी ले ली जाएगी कि पत्रकार जो है जो यहाँ पर लगातार कवरेज कर रहा है, हमारी टीम के साथ भी ये कवरेज कर चुके हैं तो मुलाकात हुई, हमने कहा इनसे भी जान लिया जाए क्या लग रहा है किस तरफ उठ करवट ले रहा है मिल्कीपुर में। अगर मिल्कीपुर की बात की जाए तो मिल्कीपुर का चुनाव, कई लोगों से हम लोगों ने बात की खास करके, तो जातिगत समीकरण भी देखने को मिल रहा है। आइए थोड़ा कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मिल्कीपुर का जो चुनाव है वो सवर्ण जो है सवर्णों पे आके टिक गया है, कैमरामैन है ना, लेकिन हम लोग जो जमीनी ग्राउंड पे जा रहे हैं चुनाव काफी टफ होने वाला है। वो अगर इस हिसाब से देखा जाए कि बीजेपी के लोग सोच रहे हैं कि हम जीत गए हैं या समाजवादी पार्टी सोच रही है कि हम हमारी मिल्कीपुर फतेह है, तो इस गफलत में दोनों पार्टियां ना रहें बल्कि तीनों चारों पार्टियां ना रहें, है ना, चुनाव काफी टफ होगा और जो अंतिम समय होता है चुनाव का लास्ट का 6-7 दिन वो काफी इम्पोर्टेंट होता है।
ये मिल्कीपुर की जनता ये खेला करती रहती है, तो मिल्कीपुर का चुनाव आसान नहीं होगा, मिल्कीपुर में खेला होता रहता है। आप लोग भी देख रहे हैं, आप लोग खुद कमेंट करके बताइए मिल्कीपुर से कौन बाजी मार रहा है। अलग अलग चौराहे पे हम जाते हैं, अलग अलग चौराहे पे कवरेज की जाती है, क्यों जी जी। और किसी चौराहे पे कोई मजबूत दिखाई देता है, किसी चौराहे पे कोई मजबूत दिखाई देता है। मुझे लगता है तकरीबन 40 से 50 दिन हो गए होंगे हम लोगों को लगातार मिल्कीपुर, हाँ। सिर्फ मिल्कीपुर दिखा रहे हैं, बीच बीच में हम लोग कटहरी भी जा रहे हैं, लेकिन जो नजर हम लोगों ने मिल्कीपुर पे बनाई है वो शायद किसी ने बनाई होगी, लेकिन जो निकल के आ रहा है अभी तक का जो सर्वे निकल के आ रहा है वो बहुत जल्दी हम लोग इसका खुलासा करेंगे कि एक महीने के भी किस पार्टी का जो है वो आंकड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, किस पार्टी का ग्राफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी हफ्ते हम आप लोगों को इसके लिए आपको भी लगातार कमेंट करना है कि मिल्कीपुर से कौन बाजी मार रहा है, क्योंकि कमेंट को हम फिल्टर मारेंगे, 10 लोगों से बात कर रहे हैं उससे निर्णय नहीं निकलेगा, उससे एक समीकरण समझ में आएगा। लेकिन जो एक वीडियो पे लाखों लोग देखते हैं, हजारों कमेंट आते हैं, उन हजारों कमेंट में जब जाके हम देखते हैं, उसको फिल्टर मारते हैं, तो पता लगता है मिल्कीपुर का समीकरण किसके साथ में है। और जब हमारी सारी वीडियो कंप्लीट हो जाएंगी, 200 वीडियो कंप्लीट हो जाएंगी, तो आपको हम वो बताएंगे कि समीकरण किसके साथ में है। और लगातार आपको 2 महीने से कवरेज दिखाई जा रही है, और हमारे चैनल पर 100 से ज्यादा वीडियो आपको ऑलरेडी देखने को मिल जाएगी, तो जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। हमारे दूसरे चैनल भारत न्यूज लाइन पर भी आप जाके देख सकते हैं, वहां पर भी बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, और लगातार आपको हम कवरेज दिखा रहे हैं। बस इतना कहेंगे, वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मिल्कीपुर से है तो शेयर जरूर करिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद।